जी नमस्कार। अभी अभी की एक बहुत बड़ी जानकारी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तीनों ही पार्टी भाजपा, अकाली और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। तीनों ही पार्टियों से एक एक नेता करके आम आदमी पार्टी में कल शामिल हुए हैं। हेडलाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं, लाइक करें। पंजाब में शनिवार को बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के कई बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग विंग के सचिव कुलदीप सिंह संटी, शिरोमणि अकाली दल के अनुसूचित जाति विंग के महासचिव गुरदर्शन लाल और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पंजाब उपाध्यक्ष राहुल शर्मा भी शामिल हैं। ये तीनों ही नेता पंजाब में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औपचारिक रूप से घोषणा भी की। इस अवसर पर जालंधर के आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार पवन कुमार टीनू और वरिष्ठ आप नेता राजविंदर कौर थियारा भी उपस्थित थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेगी और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।